नहीं पता था कि माएँ ऐसी भी होती है और क्या प्यार इतना अंधा होता है। बता दें कि उदयपुर जिले में सिलंबर इलाके में हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मां की ममता तार तार हो गई है। 9 माह कोख में रखकर जन्म देने वाली मां प्रेम के भंवर में ऐसी पड़ी कि शादी के 15 साल बाद 2 संतान होने के बावजूद अपने प्रेमी से इजहार करके विवाह तक कर बैठी। महिला ने गाँव में लोन की किस्त लेने आते जाते फाइनेंस कर्मी से प्रेम कर बैठी और गत 2/4/2023 को उसने कोर्ट में विवाह तक कर डाला। शादी के 15 साल बाद महिला के इस निर्णय से पूरा गांव परिवार मोहल्ला हैरत में है। बड़ी बात तो यह है कि महिला के एक 10 वर्षीय व एक 5 वर्षीय बालिका है, जिसका रोक रोकर बुरा हाल है। मामला सलुम्बर क्षेत्र का है, जहां गत 2/4/2023 को एक व्यक्ति की पत्नी ने शादी के 15 साल बाद एक फाइनेंस कर्मी से शादी तक कर डाली। शादी के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही कहावत हुई है, और जहां महिला ने एसपी कार्यालय से गुहार कर दी कि उसकी व उसके प्रेमी को पूर्व पति से जान को खतरा भी है। यही नहीं, पति के सामने पत्नी मुखर गई कि अब मैं इसी के साथ रहूंगी। ऐसे में नन्ही बालिकाओं का मां के सामने रो रोकर बुरा हाल हो गया और गुहार करती रही, मां हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन न उसकी माँ का दिल पसीजा, ना ही उसके प्रेमी ने बच्चों की तरफ देखा। यहाँ तक कि उदयपुर कलेक्ट्रेट में महिला व बच्चों के बीच जो ममता को तार तार करने वाला दृश्य देखा तो हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू निकल आए। दोनों बच्चियां मां के कदमों से लिपटकर रो रो कर गुहार कर रही, लेकिन यहां मां की ममता प्रेमी के प्रेम के आगे मर चुकी थी और इश्क का भूत उस पर सवार था, जो प्रेमी के साथ चली गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बेटा रोना मत, ठीक है बेटा? देखो उसका आधे नहीं पिघला, हमारा खानदानी परिवार का इज्जत का बट्टा लगा के चली गई बहन को। चालबाजी की है मेरा भाई। बात